मेरा नाम गायत्री जी, मैं चिन्मया विद्यालय कोल्लम में 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हम एक कवि सम्मेलन करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, वो है कृष्णा, शिवप्रिया, नंदना और आदिलक्ष्मी। आज वे हमारे लिए कुछ कविताओं को परिचय देंगे। पहली बार कृष्णा हमारे लिए एक कविता सुनाना चाहती है। इस कविता के माध्यम से कृष्णा हमें बताएंगे कि क्या स्त्रीत्व की तरह होना चाहिए। क्या हम कृष्णा का स्वागत कर सकता है? हरिओ, भारतीय नारी की स्वतंत्रता के बाद कभी भी साफ तरीके से नहीं किया है। इसकी झलक प्रेमचंद द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान में भी देखने को मिलती है। जब उपन्यास के नायक होरी कहता है कि औरत को भगवान सब कुछ दे पर रूप न दे, नहीं तो वो काबू में नहीं रहती। इसी संदर्भ पर पुष्यमित्र उपाध्याय द्वारा लिखित कविता सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बिछा लो। खुद बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लाजहीन पड़े हो वे तुम्हारे लाज क्या बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी, होठ सी दिए गए हैं जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही बताओ ये आंसू तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप सभी ने कृष्णा की कविता को समझा और आनंद लिया होगा। अब हम कृष्ण की चेतावनी नामक कविता को पाठ करने के लिए शिवप्रिया का स्वागत कर सकते हैं। हरिओम, मेरा नाम शिवप्रिया। रामधारी सिंह दिनकर का रचित कविता कृष्ण की चेतावनी में प्रस्तुत किया है। वर्ष तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहदूप दाम पानी पत्थर पांडव आए कुचौ निकल। सौभाग्य सब दिन होता है देखो आके क्या होता है। मैत्री की सह दिखाने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विश्वास बचाने को। भगवान हस्तिनपुर आए पांडव का संदेश लाए। मुझे लगता कि आप सभी को शिवप्रिया का कविता पसंद था। अब आइए मकान नामक कविता सुनाने के लिए नंदना प्रशांत का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नंदना प्रशांत, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं यहाँ केफी अस्मी द्वारा लिखित मकान नामक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। केफी अस्मी एक भारतीय उर्दू कवि है। उनका जन्म 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक गांव में हुआ था। मकान। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये जमीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पाव जब टूटी शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है ना मकीनों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांझे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। किए दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और सवारा हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शामों की लो, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, सो रहे खाक पे हम शोरिश तामिर लिए। अपनी नस्तिस में लिए मेहनत ये पेयम की थकान, बंद आंखों में मिसी कसर की तस्वीर लिए।
दिन पिघलाता है इसी तरह सारों पर अब तक, रात आंखों में घटती है स्याह तीर लिए। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठू, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। धन्यवाद। नंदना की कविता सभी को पसंद आई है ना? अब हम आदिलक्ष्मी की कविता खुलते हुए गलते हुए का आनंद लेते हैं। हरिओम, मेरा नाम आदिलक्ष्मी है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं केदारनाथ सिंह के एक प्रशस्त कविता खुलते हुए गलते हुए कविता सुनाने जा रही हूँ। देखता हूँ बूंदे टक टक गिरती है फेंस की पीठ पर, देम्स मगर पानी में खड़ी संतुष्ट, उसके धन धूत से भरी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पूरी ताकत से धनों को घींचता हुआ अपना और बूठे दालन में बैठे का पीते, बारिश देखते हुए हुक्के के धुएं को बाहर निकलते और बारिश से हाथ मिलाते हुए। धन्यवाद। इस कवि सम्मेलन का समापन इसी कविता से होता है। हमारी धारणा यह है कि हर कोई इस घटना को प्यार करता था। धन्यवाद, और आशा है कि यह घटना आप सभी के लिए उपयोगी होगी।